हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बेसन चक्की बर्फ़ी, आप कुछ भी बोल सकते हो, वो भी घर की चीज़ों से। तो वीडियो हो जाएगा थोड़ा सा लंबा, तो प्लीज़ स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना स्किप किए। तो मैंने यहाँ पे ये जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी बेसन की चक्की बनाने में, मैं वो ले ली हैं। तो हमारा ये आधी किलो बेसन है और इसे मैंने अच्छे से छान लिया है। और ये हमारा 250 ग्राम घी है, ये देसी घी है घर का। और ये हमारा आधी किलो बेसन। तो अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं, इसे इसमें हम डाल देंगे। पूरा बेसन नहीं डालेंगे और इसमें हम थोड़ा घी डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे इसमें, और इसे मिला लेंगे। अब इसमें बचा हुआ बेसन भी डाल देते हैं और जो बचा हुआ घी है उसको भी इसमें हम डालेंगे। अच्छे से मिला लेते हैं इसको। बीच में हमें लगेगा कि इसमें अभी घी की ज़रूरत है, तो इसमें हम घी और डाल देंगे। तो हमने वो भी घी डाल दिया था इसमें, और इसको हमने दूसरी कढ़ाई में ले लिया है। अब आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये थोड़ा सा वो जो कढ़ाई ली थी हमने उसका तलवा थोड़ा पतला था, तो उस वजह से ये थोड़ा सा जल गया। तो मैंने इस मोटे तलवे की कढ़ाई में ले लिया है और इसे हम अच्छे से भुनेंगे। उस कढ़ाई में ये नहीं बन पाता तो मैंने ये मोटे तलवे की कढ़ाई ले ली है, सिल्वर वाली, उसका तलवा बहुत हल्का था। तो इसे हम अभी भुनेंगे। इसको भुनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी इसको हम भुन ही रहे हैं। अभी इसको और भुनेंगे। इसकी जो गुठलियाँ हैं वो थोड़ी थोड़ी सी मल्टी होती जा रही हैं, तो इसे हमें और भुनना है अभी। और घी आपको लगे कि कम है, इसमें घी कम नहीं है, ये जैसा जैसा भुनेगा वैसे ही घी को ये छोड़ेगा कढ़ाई में। तो ये कुछ इस तरह का कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी, इसे हमें और भुनना है अभी। इसका कलर चेंज हो जाएगा भुनते भुनते, तो इसे हमें और भुनना है। इसे हम भुनते रहेंगे और देखो घी कितना सारा छूट गया है इसमें, ढीला ढीला बेसन हो गया। अभी कितना सूखा सूखा था और कितना गीला गीला हो गया है, जो कि हमने मिलाया था वो इसमें भुनते भुनते अच्छे से ढीला ढीला हो गया और घी हमारा छूट चुका है अच्छे से। और वैसे ये भुन गया है 1-2 मिनट के लिए, इसे और भुन लेंगे। आपको लगे कि इसमें कलर की कमी है तो आप इसमें हल्दी या फूड कलर डाल सकते हो, तो इसमें मैं 1 चम्मच घी और डालूंगी। ये 1 चम्मच घी हमने डाल दिया इसमें और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो डाल सकते हो, अगर आप कम घी खाना पसंद करते हो तो आप इसमें नहीं डालें। अगर घी तो सबको अच्छा लगता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो अब मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। अब ये अच्छी तरह से भुन चुका है, एकदम घी भी इसने छोड़ दिया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, तब तक हम अपनी चाशनी रेडी करेंगे। तो मैंने ये कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने पानी डाल दिया, आधे किलो पानी में हमको आधा किलो ही चीनी डालनी है। मेजरमेंट करके डालें, मैंने यहाँ पे मेजरमेंट पहले ही कर लिया था, तो मैं आपको तौल के हिसाब की बता रही हूँ। मैंने आधा किलो पानी में, आधा लीटर पानी में आधा किलो ही चीनी यूज़ की है। तो इसकी हमें अब चाशनी बना के रेडी करनी है। आज हम कढ़ाई में चाशनी बनाएंगे, पतीले में नहीं।
इसे हम मिला देंगे। अच्छे से मिला देंगे इसको और इसे हम उबलने देंगे। अब तो चाशनी हमारी उबल चुकी है, इसमें हम ये इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिला देंगे चाशनी में। आप चाहें तो इसमें केसर भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाली है। तो अभी चाशनी हमारी रेडी होने को ही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये चिपचिपी हो गई है, आप चाहें तो एक तार की भी बना सकते हो, लेकिन मुझे सिर्फ चिपचिपी ही चाशनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसे देख रही हूँ, आपको दिखाया मैंने, इतनी चिपचिपी होनी चाहिए वही काफ़ी है। आप चाहें तो एक तार की बना सकते हो। तो चाशनी हमारी हो गई रेडी, अब चलिए। और यहाँ पे ये हमारा जो बेसन का घोल था वो भी एकदम ठंडा हो गया है, बैटर जो बनाया था हमने घी में। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके चाशनी डालेंगे। थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, मिला मिला के अच्छे से इसे मिला लेंगे। और कलर इसका बहुत प्यारा आया है, हमने इसमें कोई फूड कलर या हल्दी कुछ भी नहीं डाला। तो इसमें थोड़ी सी चाशनी और डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। जो बची हुई चाशनी है उसे भी हम अब डाल देंगे, सारी चाशनी को हम डाल देंगे और इसे हम मिला लेंगे। अच्छे से मिला लेंगे इसको हम अच्छे से, ताकि जो हम मिठाई बना रहे हैं उसमें अच्छे से चाशनी जो है मिक्स हो जाए, कहीं कहीं पर ना मिले, सारी मिठाई में चाशनी मिलनी चाहिए। और वीडियो को कतई भी स्किप ना करें, अगर आप स्किप कर दोगे तो आप मिस कर दोगे सारे स्टेप्स को, एकदम से फॉलो करना है आपको जो मैं बता रही हूँ, ताकि आप परफेक्ट तरीके से बेसन चक्की बनाना सीख जाएं। चक्की या बर्फी कुछ भी बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसे अच्छे से मिला लूँगी, कलर बहुत प्यारा आ रहा है इसका। तो इसमें चाशनी अच्छे से अब्जॉर्ब हो चुकी है, चाशनी हमारी अच्छे से मिल चुकी है हमारे बर्फी के अंदर। तो हम एक बर्तन लेंगे, मैंने ये थाली ले ली है और इसमें मैंने पहले से ही घी ग्रीस कर दिया था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी भी रहेगी। हमारे घर पे बना रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी दोनों ही हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। तो इसे हम अच्छे से फैला देते हैं। तो मैंने इस पलटी की हेल्प से इसे अच्छे से फैला दिया है, अच्छी तरह से इसे हम किनारों से भी पोंछ करके एकदम से इसे अच्छे से फैला देंगे और इसे ऊपर से चिकना कर देंगे, इस तरीके से इसे चिकना कर देंगे। और फिर इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट डालेंगे, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हैं आप वो डाल सकते हो। मेरे पास बादाम हैं तो मैं बादाम डाल रही हूँ, आप चाहें काजू, पिस्ता, चिरौंजी, कुछ भी जो आपके पास हो वो आप डालें। ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए भी और खाने में भी, और मिठाई में तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये 6 बादाम कट किए थे, इन्हें मैंने डाल दिया है, छोटी छोटी पीसेस में कट किया था। तो इसे मैं इस तरीके से इसे दबा दूंगी अपनी मिठाई के अंदर, इसे अच्छे से दबा दूंगी। और इसे मैं, आप चाहें तो एक रात के लिए इसे आप रख सकते हो नॉर्मल तरीके से पंखे के नीचे, लेकिन मैं इसे फ्रिज के अंदर रखूंगी 1-2 घंटे के लिए। तो देखिए यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं और हमारी मिठाई अच्छे से जम चुकी है,
और इसे हम अब कट करेंगे। अच्छी तरीके से कट कर लेंगे इसको। बहुत अच्छी तरीके से जम चुकी है, कतई भी हार्ड नहीं है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है, नरम नरम। आप जैसे पीसेस में चाहें वैसे कट कर सकते हो, मैं नॉर्मल तरीके से कट कर रही हूँ। ऐसे ऐसे हम कट कर लेंगे। अब देखो हमारी मिठाई कट हो चुकी है, तो मैं इसमें से एक कतली निकालती हूँ अच्छे से। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ी सी किनारी में वो पड़ गई। तो ये देखिए हमने मिठाई को कट करके निकाल लिया है, और देखो कितनी अच्छी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। ये फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ रहा है और टेस्ट तो इसका दुगना है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। एकदम जूसी जूसी सी लग रही है हमारी मिठाई, तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और भी मेरी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कैसी लगी आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और पूरा वीडियो मेरा बिना स्किप किए हुए देखें, तभी आपको समझ आएगा। बाय बाय।